हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और इस वक्त मैं गांव पे हूँ। और देखिए, सुबह सुबह कौन आया है, उसी का आ गई है। और उधर चूल्हे पे मम्मी बना रही है दाल चावल। दाल रोटी कल का अमरूद खाया सास पूरा। कल का हम इतना अमरुद खाए हैं और रात को भी अमरुद खाए थे, लेकिन मम्मी से बताया नहीं थे कि मम्मी रात को भी मैं अमरुद खाई थी। तू मारा ना मरी जाबू जन्मा यहाँ दीने तो ऐसा खाए भाई जैसे होता कि सांस अपने तुम जकड़ कर बैठा है राती का दूध खाए। रात को हम खाए थे ऐसा के खेत गए थे ना, तो इसके खेत में से उजर का अमरुद खाए थे। या तू काम करा लो उल्टा थी ना। तुमको सेब अच्छा लगता है? तुमको ये मेरा गिल्लू जूम कर दूँ ना। सेब अच्छा लगता है? ठंडा नहीं लग रहा है तुमको? पेड़ में मजा आ रहा है इसको। देखो अनु इसका देखो देखो। चलोगे वहां? चलोगे उस घर? चलोगे? चलना है उस घर की नहीं वहां चलना है? हाँ शहर में चलना है, नए वाले घर पे चलना है, यही रहना है बगीचे में? यही बगीचे में रहना है इसको, यही बगीचे में ये रहेगा, यही रहोगे तुम ना, तुम यही रहोगे। खाओ ना सर से गिर जाएगा दोबारा से गिर जाएगा। ये मेरा पर कान पकड़ के मारेंगे तुमको, भागते हो ना, तुम्हारा कान पकड़ के ऐसे मारेंगे, ऐसे कान पकड़ के मारेंगे, ऐसे बदमाशी करते हो ना, बहुत बनते हो, तुम्हारा कान ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे कान पकड़ेंगे, जाओ। गया। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग जहाँ भी होंगे एकदम बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भैया, हम हैं अपने गांव पर और ये ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं मिर्जापुर अपने गांव से। तो अभी जो है सुबह के देखिए 9 बज गए हैं। खाना वाना तो अहियाँ हम बना लिए हैं, अहियाँ बनाए हैं, कुछ खास नहीं, दाल रोटी बनाए खाए थे। एकदम सर्दी जुकाम पकड़ के एकदम से जकड़ के एकदम मस्त कर दिया है, दिमाग खराब हो गया है। तो अभी चलते हैं, हम खाना तो बना ही लिए हैं। कल हम उड़द भिगोए थे वो बरी डालने के लिए, तो चल रहे हैं पहले बरी बनाने। और अभी हम मेरा गिल्लू देखे ना, हमारा गिल्लू जो है सेव खा रहा था, और हमारा गिल्लू जो है हम लोग को पहचानता है, आ जाता है पास में। तो चलिए फटाफट से पहले बरी डाल देते हैं, काहे से कि धूप हो रहा है। और कल हमने कुछ अनाज धुले थे वो सूखा नहीं है, तो उसको भी चलते हैं, छत पे धूप आ गया है तो धूप में उसको डाल देते हैं। तो चलिए पहले फटाफट देखिए, दाल तो रात को ही हम पीस लिए थे और ये रह गया है आधी और मरचा, ऐसा पीस पास के चलते हैं फटाफट से बरी डाल देते हैं। तो दोस्तों देखिए, दाल तो कल हम रात को ही पीस लिए थे, थोड़ा सा बचा था उसको देखिए अभी को पीसे हैं। और उसके बाद देखिए अब इसमें देखिए है मरचा को बढ़िया सा धुल दिए थे, अदरक, तो अदरक और मिर्च चल रहे हैं इसको भी पीस लेते हैं। बता दे ए, मिक्सी का जार हम लेकर आए थे, मिक्सी का जो मोटर है वो हम ऐसा का लाए हैं, तो फटाफट से पीस लेते हैं। तो ये जो है हम फटाफट से अदरक मिर्च पीस के चलते हैं, नहीं तो धूप निकल जाएगा। बाप रे, एक तो सांस नहीं आवा, एक तो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, दूसरा मिर्चे का जो झार है ना, ये गजब लग रहा है एकदम। ये तो तीता वाला मरचा है, एकदम बुलेट वाला। तो दोस्तों देखिए, बड़ी बनाने वाला सामान तो लेकर देखिए हम आ गए हैं छत पर, और छत पर भी बड़ा बढ़िया सा धूप आ गया है। और देखिए अनु और अंशिका ये छत को साफ कर रही थी, अंशिका देखिए इधर छत साफ करके आ गई है, तो ये छत को साफ कर रहे हैं। तो इस पर हम फटाफट से ये बरिया बना के डाल देंगे, और साथ में हम लेते आए वो कल हम धुल के डाले थे ना, ये यार ये जो बजड़ी उड़ी जो धुल के डाले थे ये सूखा नहीं है, तो इसको भी डाल देते हैं, ये सूख जाएगा तो इसका आटा बनवा के लेते चलेंगे, फिर रोटी हम खाएंगे। हमको इसकी रोटी खाते हैं ना तो हमारा जो है पेट एकदम से सही रहता है, हम हमेशा बनवाते हैं, और जब भी इसकी रोटी खाते तो मेरा पेट, मेरा डाइजेशन बहुत बढ़िया रहता है।
तो चलिए फटाफट से, देर नहीं करते, जल्दी जल्दी डाल दे, कहा अभी अभी और बहुत सारा काम है, आज हमको सारा काम निपटा के ही तो घर जाना है, घर भी जाना है हमको, और वो भी बाई रोड माने साधन से जाना है हम लोग को। इनके पापा नहीं आएंगे, वो वहीं पे हैं, तो हम लोग ऑटो पकड़ के जाएंगे। देखिए इसको ना हम रात को दाल को पीस के और इसके बीच में, ये देखिए इसके बीच में मेथी और हींग ना, मेथी और हींग ऐसे बीच में इसको ऐसे गड्ढा बना के इसमें पानी और उसमें मेथी और हींग डाल के हम इसको ढक दिए थे। तो देखिए कितना बढ़िया सा मेथी और हींग जो है फूल गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम खूब बढ़िया सा मिलाएँगे पूरे इस दाल में, मेथी और हींग को पहले मिला लेते हैं। तो देखिए मेथी और हींग को बढ़िया था, देखिए इसमें हम मिला लिए। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हम अदरक और मिर्च पीसे हैं ये डाल देते हैं। अभी बता, हम हरे मिर्च का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बता दें हमको लाल मिर्च का इस्तेमाल, हम सूखा लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहते हमको सूखा लाल मिर्च तीखा नहीं पसंद है। हालाँकि लाल मिर्च जो है सब्जी को बहुत टेस्टी बना तो देता है, लेकिन नुकसान भी करता है, इसलिए हम हरा मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मिर्च और अदरक देखिए इसमें डाल दिया, और इसमें हमने थोड़ा सा मसाला भी डाल देते हैं। तो ये है धनिया गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। अब इसको खूब बढ़िया सा इसमें हम मिक्स कर लेते हैं, इसको भी मिला लें पूरा दाल में। तो इसमें देखिए ये मिक्स नहीं करते बन रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसको बढ़िया सा मिक्स करते हैं, इसका पकौड़ी बना दो। पकौड़ी महक अच्छी आ रही है ना, में पानी भी अच्छी आ रही है। देखिए दोस्तों, मैं अपना बढ़िया बना रही हूँ, देखिए मेरा गिल्लू, देखिए वो सुकून डाले है ना, मतलब किसी का हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन इनका देखिए बाबू साहब का मेरा बेटा है ना, बच्चे जबरी करते हैं ना माँ से, देखिए इसकी जबरी देखिए, क्यों जी वो हम उसका आटा पिसाएंगे ना, कहे खा रहे हो, देखो इनको मत पूछिए भाई, इनके भाई हक है, इनका हक बनता है, बेटा है घर का घर का मेरा लाडला बेटा है, इनका हक बनता है। सुनो तुम खाओगे तब सुनो, हटो वहां से, दूर हटो हटो, उसको हम आटा बनवाएंगे ना, जबरी देख रहे हैं ना, इसका आटा बनवाएंगे ना हम, तुम खा जाओगे बात नहीं सुनेगा मम्मा देख रहे ना। हाय बाबा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने पुराने वाले घर पे। तो यहाँ पे ये धान जो है, धान का बंटवारा हो रहा है। बता दे मैं अपने खेत जो है सारा अधिया पर दे दी हूँ, तो जिनको दिए हैं वो देखिए धान तैयार हो गया, तो इसको ओसा लिए हैं। तो यहाँ पे आधा धान वो रख लेंगे और आधा धान हमको देंगे, तो जो पैदावार हुआ है उसका आधा धान मुझे मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इनके पास, जिनके पास खेत नहीं है उनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये धान मैं यहाँ से रखवा लेती हूँ सब जो है, और उसके बाद फिर बाद में जब धूप आएगा तब इसको धूप दिखाएंगे और फिर इसका जो है चावल निकालेंगे। तो बहुत सारे मित्र कहते हैं मेरा खेत जो है कौन कर रहा है, तो बताते मैंने अपनी सारी खेती जो है अधिया पर दे रखे हैं, और थोड़ा सा बस है जो मैं साग सब्जियाँ सब लगा रही हूँ अभी फ़िलहाल, वो भी जब नहीं लगा पाएंगे तो वो भी दे देंगे, क्या करेंगे, अभी बच्चों को पढ़ाना है, अब ये लोग की जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती तब तक मेरा ऐसे ही सब चलेगा, कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों देखिए धान रख के हम आ गए हैं खेत में, खेत में जो सरसों में सिंचाई हो रहा था, तो देखिए खेत का पानी जो है खेत में सब भर गया है, तो हम चल रहे हैं, पानी भर गया तो पाइपिया जो है लपेट के इसको रख देते हैं जल्दी जल्दी से, नहीं तो ऐसे पाइप जो है ख़राब हो जाएगा। देखिए अनुमान नहीं रही है,
ए अनु पैपिया खड़ा हो जाए यार। और जहाँ जहाँ अनु जाएगी और इसके साथ साथ इसकी दोस्तें भी वही काम करेंगी सब जो है। तो चले फटाफट से पाइप लपेट देते हैं। लहसुन में देखिए पानी चल गया है, लहसुन में मिट्टी चला वो चढ़ाना था तो पानी वहाँ से टूट के लहसुन भर गया है। तो अभी तो हमको लग रहा है लहसुन का क्यारी जो है तैयार होगा हफ्ता 10 दिन में। इसके भी गुड़ाई करके फिर मिट्टी चढ़ाना है ना, तो तब जाके लहसुन बढ़िया तैयार होगा। इधर गोभी के खेत की भी गुड़ाई करनी है। हमको तो देखिए जाना है, ये वक्त बज रहा है 12, अभी नहाए खाए नहीं है, अभी हमको चलना है सरसों बनाना है, तेल नहीं है तो सरसों अभी चल रहे हैं झाड़ेंगे रखेंगे। तो देखिए कौन कौन सा काम हम करके आज निकलते हैं, कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। ए अनु ये तो लड़की और एकदम पागल है, सुनवा नहीं कर रही है, इधर आओ पाइपिया फट जाए, थपड़ा थपड़ा मारा तू तीनों जने के, समझ ली है? बहुत जल्दी है तो खोला खोला पाइपिया, बहुत जल्दी खोला, लपेटी नहीं पाइप कुल खराब हो जाए। बंदर तो बंदरिया हो, बंदरिया तीन बंदरिया, गांधी जी के मास्टर साहब के, हाँ मास्टर साहब के तीन बंदरिया। तो देखिए ये जो है इतना बढ़िया ही पाइप था, ये सब मिट्टी लगा दी है, हाँ पूरा पाइप जो है देखिए मिट्टी मिट्टी हुआ है इसको है, ये नाली में पानी है ना इसी से पड़ रहा, हम भूल भी दे रहे हैं इसकी मिट्टी। चल एक काम कर अनु, तो दोस्तों देखिए खेतों में से तो हम आ गए हैं पाइप वगैरह सब लपेट कर, और अब हम चल रहे हैं ये सरसों थोड़ा झाड़ लेते हैं, कैसे कि तेल नहीं है तो सरसों को अच्छे से सूप से झाड़ के और इसको मैं रख दूंगी। तो ये आएंगे अनु के पापा दूसरे दिन, तो अपना इसको ले जाएंगे मशीन में, इसका तेल निकलवाएंगे। हम लोग घर का तेल यूज करते हैं, मार्केट का तेल नहीं यूज करते हैं, तो इसीलिए मैं कोई भी आप देखते हैं रेसिपी बनाती हूँ तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। हमारे यहाँ सरसों की पैदावार होती है तो इसीलिए सरसों के तेल का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मुझे मार्केट का तेल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बराबर हर मंथली जो है ये सरसों को झाड़ के कर मतलब देना पड़ता है तेल के लिए, और जब इससे हम लोग सरसों निकालते हैं उस वक्त भी इसको अच्छे से ओसा के रखते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जब पिराने को जाता है तेल सरसों तो उसको एक बार फिर से झाड़ लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको झाड़ लेते हैं, बहुत सारे काम हैं, काम तो सब ऐसे ही बराबर आए हैं, हम 2 दिन का टाइम लेके तो सब निपटा रहे हैं। 2 जगह का आना जाना मेरा हो गया है, बहुत भाग दौड़ बहुत बढ़ गई है, कभी सोचते हैं गांव एकदम से छोड़ दें लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है, शहर में भी सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे हमारे मित्र कह रहे हैं कि 2 नाव पे सवार हैं आभा जी, देखिए क्या होता है, 2 नाव पे सवार है सब सफलता नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोई निर्णय हो जाए, एक ही तरह रहे भैया, या तो गाँव ही रहे या तो शहर ही रहे, देखिए क्या होता है। मेरा क्या कर रहे हो तुम, खा रहे हो, खाओगे तुम, हम रहने दें तुम्हारे लिए, ऐसे खाओगे, हटाए नहीं। क्या कर रहा है, हम लोग जा रहे तुमको छोड़ के जा रहे, जाओ तुम बदमाशी करो, तुम बदमाशी करो, तुम यही कहाँ देखे नाखून लगा दिया। तो दोस्तों देखिए इस वक्त जो है 3:30 बज गए हैं, और हमने बहुत सारे काम करके नहा वहा के खा के अभी को जस्ट हम खाली हुए हैं, तो अब हम तैयारी कर रहे हैं निकलने की, क्योंकि हम जाएंगे बाई साधन से। देखिए हमारा गिल्लू है, लास्ट में इसको खिला वाला लेते हैं, देखिए ये पहचानता है, देखिए भाग गया, ये ना पहचानता है हम लोग को, और पास में भी आता है और भागता भी है। तो फिलहाल ये जो हम ऊपर डाले थे ये सूख गया है, बजरी सूख गया है, लेकिन जो हम अभी आज बरी डाले हैं ये नहीं सूखा है, तो ये धीरे धीरे सूखता रहेगा। अम्मा जी इसको अपना सुखाएंगे और उतारेंगी, बोल रही हैं कि अपना इसको हटाएंगी, तो बाकी इसको मैं उतार के इसको अच्छे से रख के जाती हूँ। आएंगे इनके पापा कल, आएंगे कल, उनका ड्यूटी है तो कल स्कूल से वो आएंगे, तो अपना ये सब पिसवाएंगे,
तो हम लोग फटाफट से निकलने की तैयारी करते हैं क्योंकि उतना दूर जाना है, साधन पकड़ना है, तो हम लोग को घर वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा। अभी 3:30 बजा है तो अब ही निकलते निकलते हमको लग रहा है कि 1 घंटा फिर भी लग जाएगा। ये सबको थोड़ा हटा वटा लेते हैं जल्दी जल्दी। चले अनु ने तो दोस्तों देखिए इस वक्त 4 के ऊपर हो गए हैं और हमने सब चीज़ रख दिए हैं, तो अब हम निकलते हैं। झोला वाला हमारा ले लिए हैं, तो चलते हैं फटाफट से निकलते हैं। चलो चलो अनु किधर से चला जाए, चल इधर चलो खेत में से नहीं, चलो सीधे रास्ता पकड़ के चलते हैं। निबुआ बड़ा पक्कल है यार अनु। तो दोस्तों देखिए ये रास्ते में चंद्र ग्रहण लगा है, लोग ऑटो में बैठे हैं और ऑटो में से ये चंद्र ग्रहण भी देख ले रहे हैं। तो मैं तो देखी हूँ कई बार, अनु को फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है, आप भी देख लीजिए चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों देखिए हम आ गए नए वाले घर, एकदम से थक गए हैं, हमको लगा है बहुत तेज प्यास। वहाँ ना काम के चक्कर में खाना खाए पानी पीना भूल गए, काम करते करते जल्दी जल्दी निकल लिए। रास्ते में हमको ऑटो थोड़ा आज लेट मिला, मार्केट में हमको आधा घंटा वेट करना पड़ा, तो हमको ऑटो मिला। ये वक्त बज रहा है 6:30 बजने वाला है और रास्ते भर हम लोग चंद्र ग्रहण देखते आए हैं। और लकी से देखिए पानी मांगे पी रहे हैं। ए लकी, चंद्र ग्रहण देखी हो? अभी चंद्र ग्रहण लगा है, चलो दिखाएं। चलो देखो छत पर से दिख रहा है।